हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोमास्टर जी। दोस्तों आज हमारे पास है Redmi Note 8 फोन, आज इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और दोस्तों इस फोन में क्या क्या दिया गया है, बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है, सारा चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बॉक्स की बात करें तो बॉक्स हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है और डाउन में मेंशन किया हुआ है 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा मिलने वाला है। नंबर वन का जिक्र यहाँ पे MI का लोगो और उसी के साथ दोस्तों बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है Redmi Note 8 और डाउन में कुछ भी नहीं है। बॉक्स के ऊपर की बात करें तो यहाँ पे प्राइस मेंशन किया हुआ है, कलर मेंशन किया हुआ है, बारकोड वगैरह मेंशन किया हुआ है। बॉक्स के पीछे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलने वाला है। 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलने वाला है और स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलने वाला है और गोरिल्ला ग्लास फ्रंट एंड बैक दोनों में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे पास जो कलर है नेपच्यून ब्लू है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला। तो दोस्तों अभी फटाक से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बाकी कंटेंट बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे और एक सेक्शन मिलता है बॉक्स का जिसे मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और उसी के नीचे क्विक स्टार्ट गाइड मैनुअल बुक मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एक बेसिक सा केस जो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रखा हुआ है फोन, तो फोन अभी प्लास्टिक के अंदर है तो इसे मैं अभी निकाल के इसे बूट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जब तक ऑन होता है तब तक मैं बाकी कंटेंट दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिल जाता है। और बॉक्स के अंदर ही आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे केबल की बात करें तो टाइप सी डाटा केबल दिया गया है। तो फ्रेंड्स यही सारा चीजें मिल जाता है बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों सीधे आते हैं अभी फोन की तरफ। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा है नेपच्यून ब्लू और यहाँ पे दोस्तों आप कलर देख पा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे सारा प्लास्टिक को रिमूव कर देता हूँ, IMEI नंबर सब रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको बेटर लुक मिल पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोन की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना मस्त लग रहा है डिजाइन और दोस्तों यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो ऑसम लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये डिजाइन आपको कैसा लगा। और इसी फोन के फ्रंट अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिस डॉट के अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है और जस्ट उसी के ऊपर एयर स्पीकर देखने को मिल जाएगा और कुछ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि IPS डिस्प्ले है। और फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्ले के नीचे आप एक चीज नोटिस कीजिए जो कि ग्लास के नीचे ही आपको एक ब्लू लाइन देखने को मिल जाता है जो कि बजल के साइड साइड में है और यहाँ पे दोस्तों Redmi का एक ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। और इसी फोन की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि एक ही कैप्सूल के अंदर है। पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है f1.79 एपिचर के साथ और दोस्तों दूसरा जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए f2.2 एपिचर के साथ, तीसरा है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए और चौथा है 2 मेगापिक्सल मैक्रो मोड के लिए। और कैमरा के साइड में आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल AI कैमरा। और फोन के बीचों बीच यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 बैक दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों Redmi का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ दोस्तों फोन की डाउन की बात करें तो यहाँ पे हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है। और फोन की राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच देखने को मिल जाता है। और फोन की अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, सेकेंडरी माइक मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और फोन के लेफ्ट साइड में पूरा नेट एंड क्लीन मिलता है, यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं निकाल के दिखा देता हूँ कौन सा सिम ट्रे दिया गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रिपल स्लॉट है जिसमें आप दो नैनो सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे कवर लगाने के बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है और दोस्तों जो कैमरा का बम्प है वो भी रिकवर हो जाता है इस कवर को लगाने के बाद। और फ्रेंड्स इस फोन में मैं काफी गेम खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी में इंस्टॉल करके यहाँ पे खेला तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिला जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दोस्तों ग्राफिक वगैरह भी बहुत सही है। और फ्रेंड्स इस फोन में मैं PUBG इंस्टॉल किया हूँ और यहाँ पे दोस्तों स्मूथ में हाई चलता है और बैलेंस में मीडियम चलता है और HD ग्राफिक आपको इसमें खेलने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ देर PUBG भी खेला, बहुत ही स्मूथली गेम चल रहा था। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से खेल वगैरह भी हो जा रहा है। और फ्रेंड्स कैमरा फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन देखने को मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो देखने को मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो में आप 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिया गया है, आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाएगा और प्रो मोड में भी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स आप लोग के साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कैमरा किस तरीके का वर्क कर रहा है।
और इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्जर के साथ। और दोस्तों इस फोन में प्रोसेसर जो दिया गया है स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर दिया गया है और ये फ़ोन आपको 3 कलर में अवेलेबल मिल जाएगा, स्पेस ब्लैक, नेपच्यून ब्लू और मूनलाइट वाइट। और फ्रेंड्स ये फोन आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 9999 और दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 12999। और फ्रेंड्स इस फोन में 10 मल्टी टच सपोर्ट करता है। और बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के आया है सिंगल कोर स्कोर है 1519 और मल्टी कोर स्कोर है 5617। और दोस्तों यहाँ पे बेंचमार्क की बात करें तो 168,828 स्कोर निकल के आया है। और फ्रेंड्स इस फोन में सेक्रेटरी लेवल L1 है जिससे आप Amazon Flipkart में 3D कंटेंट का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों इस फोन में आपको गूगल कैमरा का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इस फोन की सेंसर की बात करें तो आपको छोटा बड़ा सारा सेंसर अवेलेबल मिल जाएगा इस फोन में। और फ्रेंड्स इस फोन में आपको एंड्रॉयड वर्जन पाई देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों MIUI की बात करें तो आपको MIUI 10.3.1 देखने को मिल जाएगा इसी फोन में। तो फ्रेंड्स यही कुछ फीचर्स था हमारे इस फोन में। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस लॉक चेक कर लेते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत अच्छा से ये लॉक ओपन हो जा रहा है और फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, स्मूथली वर्क कर रहा है। और फेस लॉक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फेस लॉक किस तरीके का वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स फेस लॉक भी काफ़ी फास्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों ये फ़ोन मेरे को काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको अगर परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। या फिर आप कोलकाता से हैं तो रूबी के एक्रोपोलिस मॉल में चले जाइए, वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल मिलता है, आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।